जैसे ही महिलाएं बड़ी मुस्कान के साथ बसों में सवार हुई, कांग्रेस भी खुश हो गई क्योंकि वे अपने वादे को पूरा करने में सक्षम थी। पांच में से पहली शक्ति योजना का एक बिग टिकट लॉन्च था। इस योजना के दूसरे दिन आज भी दशहर के केंद्रीय बस स्टैंड और सभी बसों में महिलाओं का खासा हुजूम देखने में आया। हालांकि कुछ महिलाएं अपनी जरूरत के लिए सफर कर रही हैं, तो कुछ यह देखने के लिए कि क्या सेवा मुफ्त है। बहरहाल आज महिलाओं का अधिक हुजूम बसों में दिखाई पड़ा। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हिना शेख, केपी न्यूज से आपके साथ। आज हम है बीदर शहर के बस स्टैंड में। आज जो है हम ये जो कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार ने जो पांच जो सुविधाएं की थी उसमें से एक है महिला के लिए बस फ्री यात्रा। तो आइए जानते हैं यहाँ के हालात और महिलाओं से उनको कैसा लग रहा है कि ये सुविधा लागू होने के बाद में हम इनसे जायजा लेते हैं। अब जो ये कर्नाटक सरकार जो है महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा की, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लगा? बस से चलाया एक घंटे से। अब नहीं, अभी तो आपको वो घंटा हो गया। आप ऑटो को 90 रुपये डाले, अब एक बार से ट्रेन स्टेशन को गए तो हाँ ट्रेन नहीं है इधर पर, तो बस नहीं है। अच्छा, महिलाओं के बस जो फ्री किया है सिद्धरामैया सर जी ने, तो आपको क्या कहना चाहिए? 2 घंटे इधर ना कॉलेज स्टूडेंट हिंदी में नहीं आते हम, ना कॉलेज स्टूडेंट 2 घंटे निंतिदे बस इले फ्री कोटर, बट बस जन जास्ति कष्ट आते ना 2 घंटे कॉलेज ले बंद निंतिदे। आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं रहती है कि आज इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर? आज वो फ्री दिए ना, इस वास्ते थोड़ा बढ़ गया ट्रैफिक। तो बसेस की कमतरता क्यों है? कमतरता नहीं है, जितना है रोज का बस उतना है, पब्लिक ज्यादा है आज। इस वास्ते पब्लिक ज्यादा होने से बस कम हो रही है। आज का दिन में 20% ज्यादा हो गया टिकट। पहले से अभी? पहले से हाँ। पहले कितना होता था? पहले से वही 20% बढ़ गया आज ट्रैफिक। कर्नाटक, ऑल कर्नाटक फ्री है। टोटल 200 किलोमीटर नहीं, कितने भी जाओ ऑल कर्नाटक।